वो टिल्ट होता जा रहा है क्योंकि सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को, तो उस तरफ से टिल्ट होते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको सीड जर्मिनेशन का अपडेट बता रही हूँ। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में, मतलब पहले गार्डनिंग वीडियो में आपको सॉइल मिक्स बताई थी कि 100% सीड जर्मिनेशन के लिए कौन से सॉइल और कैसे सॉइल मैंने स्टेप्स के साथ कैसे फॉलो किया है वो मैंने आपको शेयर किया था। तो आप अगर नहीं देखे वो वीडियो तो आप आई बटन दबाइए, मैं वहाँ पे डाल दूँगी वीडियो का लिंक। तो दोस्तों, मैंने पालक डाली है और ये 100% जर्मिनेट हो गए हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और ये सनफ्लावर है, दो सीड्स डाली हूँ मैं, और उसमें गार्लिक भी उसी में डाली हूँ, तो वो भी ग्रो हो गए हैं। ये सनफ्लावर के दो सीड्स प्लांट्स और वाटरमेलन दोस्तों मैं जानबूझ के एक ही या दो डाली हूँ ताकि मैं बालकनी के उस पार में छोड़ सकूँ नीचे की तरफ, और उस पर थोड़े से नेट या वायर लगा दूँगी ताकि मैं मुझे रीचेबल हो जाए, क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है। और चेरी टोमेटोज़ भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और दोस्तों, पालक है, पालक तो 100% ग्रो हो गया है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो, और जिस तरह सनलाइट है उस तरफ वो टिल्ट होता जा रहा है क्योंकि सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को, तो उस तरफ से टिल्ट होते हैं। और मैंने और एक बात ऑब्जर्व किया है कि पालक के पॉट में एक साइड में अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और धूप भी अच्छी लग रही है, लेकिन एक साइड में उसके पत्ते शॉर्ट होते जा रहे हैं, मतलब स्टंटेड ग्रोथ हो रहे हैं। तो उस तरफ से कॉर्नर में स्टंटेड ग्रोथ दिखाई दे रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि क्या बात हुई, उधर तो धूप अच्छी लगती है फिर भी क्यों स्टंटेड ग्रोथ हो रही है। इधर साइड में अच्छे से ग्रो हो रहे हैं पालक, लेकिन वो साइड नहीं आ रहा है। मैंने देखा कि मैंने ऊपर से एक पॉट लगाई हुई थी, ये था मार्की बाजी का पॉट, तो नीचे तकरीबन एक फीट का अंतर है, फिर भी वो साइड में ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको एरियल स्पेस की ज़रूरत होती है, तो निकाल दिया है। और दोस्तों, बीन्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं, फ्रेंच बीन्स तो फास्ट ग्रोथ हो गए हैं और जल्दी जर्मिनेट हो गए हैं। मुझे तो वो देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि सेकंड क्लास का या थर्ड क्लास का साइंस बुक जो पढ़ते हैं डाइकोटिलेडंस का, वो प्लांट दिखाते हैं प्लांट ग्रोथ सीड से कैसे प्लांट बन जाता है, वो मुझे याद आ गया था। वो सीड्स देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत ही फास्ट भी ग्रोथ हो रहा था फ्रेंच बीन्स। और दोस्तों, फ्रेंच बीन्स के पॉट में ही मैंने भिंडी लगाई हूँ, क्योंकि भिंडी भी एक या दो ही सीड्स लगाई हूँ, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ एक ही पॉट में। और दोस्तों, एक लॉन्ग बीन्स है, लॉन्ग बीन्स भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बहुत ही। और ये एक छोटा सा पॉट है, इसमें मैंने कैरेट के सीड्स डाली हूँ, कैरेट भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कोरिएंडर, मतलब कुतमीर, तो इतना अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कोरिएंडर देखकर, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है कोरिएंडर का। तो सीड्स भी अच्छे हो सकते हैं, और इसका सॉइल मिक्सचर भी बहुत ही अच्छा हुआ है ताकि अच्छे से ग्रो हो रहे हैं वो भी। और उतना ही नहीं, बहुत सारे प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, मैंने आपका सॉइल मिक्सचर बताया था उस वजह से अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। दोस्तों, मेरे टमाटर भी देखिए इतने बंचेस ग्रोथ होते हैं। मैं इसका सीक्रेट बताती हूँ आपको कि मैं इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करती हूँ। ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की वजह से एक भी फूल नहीं छूटता। दोस्तों, मैं हल्का सा ऐसा पॉलिनेट कर आर्टिफिशियली करती हूँ,
तो ब्रश से या तो ईयरबड से, तो हर एक फूल फ्रूट बनने का कोशिश करता है। और आप देखिए इतने सारे एक ही बंच में चार चार फ्रूट्स निकल के आए हैं। तो ये रहा दोस्तों ये अपडेट सीड जर्मिनेशन का। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।